हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एनटीए की तरफ से आज एक नोटिस आया है जिसमें कि उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है सारे बच्चों के लिए जो कि नीट में अपीयर होने वाले हैं 2020 में। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा जो है आइडिया मिल जाए कि इस नोटिस में क्या लिखा है। ये नोटिस आज ही आया है 15 मई को करीबन 3 से 4 बजे के बीच में। तो ये नोटिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए जो नीट 2020 में अपीयर होने वाला है। तो इस जो नोटिस में क्या लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये जो नोटिस मैंने डाउनलोड करा है ये मैंने करा है एनटीए की ऑफिशियल साइट से। तो एनटीए की ऑफिशियल साइट पर जब आप जाएंगे तो आपको ये नोटिस मिल जाएगा। देखिए डेट आज की डली 15 मई पे। तो देखिए इस नोटिस में मेन पॉइंट जो है मैं वो आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको पूरा नोटिस का जो कंक्लूजन है वो भी मिल जाए। तो देखिए ये जो नोटिस है इसमें ये बात बताई गई है कि कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने जब नीट का फॉर्म भरा था तब जो है लॉकडाउन नहीं था, तो उसी के कारण जो है उन्होंने जो अपना सेंटर जो सिलेक्शन सेंटर जो उनको सिलेक्ट करना था जहाँ पर वो एग्ज़ाम देने जाने वाले थे वो उन्होंने दूसरा सिलेक्ट कर लिया था। जैसे कि कई जो राजस्थान के बच्चे हैं उन्होंने कोटा का जो सेंटर सिलेक्ट कर लिया था, पर लॉकडाउन के कारण वो लोग अभी उनके घर पर जा चुके हैं। तो अभी नियरेस्ट सेंटर सिलेक्ट करने के लिए एक नया जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें जो है बच्चे अपना सेंटर चेंज कर पाएंगे। और ये जो सेंटर चेंज करने की प्रक्रिया है ये आपकी 31 मई तक चलेगी। 31 मई तक आप अपने सेंटर चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप सेंटर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 31 मई के पहले आपको अपने सेंटर चेंज कर लेना चाहिए। और जो है इसमें ये भी बता दिया गया है कि जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होकर एग्ज़ाम होगा और पॉसिबली जो एग्ज़ाम होगा वो जो है जुलाई मंथ में हो सकता है। पर अभी जो है वो टेंटेटिव डेट है, सरकार की तरफ से डेट दे दी गई है, पर अभी कोरोना वायरस के केसेस देख देख के और जिस तरह से इंडिया में जो केसेस बढ़ रहे 80,000 के ऊपर केसेस हो चुके हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में सरकार का यही जो है उद्देश्य रहेगा कि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में कराई जा सके और अगर पॉसिबल हो तो एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कराई जा सके, क्योंकि आगे जाके केसेस और बढ़ने वाले हैं तो हो सकता है कि आगे फिर एग्ज़ाम कराने में और भी दिक्कत हो। तो इसी तरह का ये जो जो नोटिस निकला है सरकार की तरफ से, और इसमें एक बात और कही गई है कि जो आपको पेमेंट देना होगा वो आपको ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट दे सकते हैं। जब आप अपना सेंटर चेंज करेंगे तो उसमें कुछ पैसे लगेंगे, तो आप उसमें ऑनलाइन पेटीएम फ़ोनपे आप कुछ भी जो है अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको अपने फ़ोन से भी चेंज कर सकते हैं, आपको कहीं एमपी ऑनलाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी साइबर कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने घर पे बैठे बैठे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कर सकते हैं। तो अगर आपको भी सेंटर चेंज करना है दोस्तों तो आप जो है 31 मई के पहले पहले आप अपना सेंटर चेंज कर लीजिए। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उन्हें सेंटर चेंज करना है पर जो है अब लिंक खुल नहीं रही है। तो अभी अभी सरकार ने ये जो नया नोटिस निकाला है इसके अंदर उन्होंने यही बात कही है कि जो सेंटर चेंज हो सकते हैं। और एडमिट कार्ड की बात अगर रही कि एडमिट कार्ड कब आने वाले, तो एडमिट कार्ड का ऐसा है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दी गई है, पर जो एनटीए की जिस तरह से एक्टिविटी दिख रही है तो एनटीए ने यही शो करा है उनकी एक्टिविटीज है, क्योंकि सिर्फ 2 पब्लिक नोटिस अभी तक आए हैं। तो आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 2 नोटिस दिखेंगे नीट से रिलेटेड। तो नीट से रिलेटेड जो सिर्फ 2 नोटिस आए हैं तो इसके तहत हम यही कह सकते हैं कि अभी एनटीए भी श्योर नहीं है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 26 जुलाई का जो कराने का उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस करा है, तो इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रही है सरकार। पर जिस तरह से वायरस की जो कंडीशन है वो चेंज होती जा रही है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या फिर ना हो, तो इसी तरह जो कन्फ्यूजन बना हुआ है तो एडमिट कार्ड आने में थोड़ी देर हो सकती है। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें और किसी भी वक्त जो है एग्ज़ाम हो सकता है, 26 जुलाई को एग्ज़ाम हो सकता है, तो तैयारी आप अपनी पूरी रखें। और आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम कब होना चाहिए और इससे रिलेटेड आपके दिमाग में अगर कोई क्वेरी हो या फिर आपका कोई सुझाव हो जो कि आप गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हम उस पर अलग वीडियो बना देंगे अगर मुझे आपका कमेंट सही में अच्छा लगता है तो, और उसमें कोई लॉजिकल पॉइंट होगा तो अपन उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे। और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो है ये बात गवर्नमेंट तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।